अंदर से ऐसा दिखता है टाइगर 3 के विलन का घर, एक या दो करोड़ का नहीं बल्कि 16 करोड़ का इमरान हाशमी का है आशियाना। तस्वीरों के जरिए कीजिए एक्टर के घर का वर्चुअल टूर। रॉयल पैलेस जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं बी टाउन के लवर बॉय। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक इमरान हाशमी इस समय अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म टाइगर 3 के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टार फिल्म टाइगर 3 में वो मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें इमरान हाशमी अपनी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से फैंस का दिल जीत रहे हैं। जहां एक और इमरान अपने विलन लुक और एक्टिंग की वजह से मीडिया हेडलाइंस बनी है, तो वहीं उनका आलीशान करोड़ों का घर इस वक्त सभी की अटेंशन ग्रैब कर रहा है। भाई आखिर बी टाउन के किसिंग बॉय के नाम से मशहूर इमरान हाशमी एक या फिर दो नहीं बल्कि पूरे 16 करोड़ के ग्रैंड पैलेस जैसे अपार्टमेंट में जो रहते हैं। तो चलिए आज आपको कराते हैं टाइगर 3 के खतरनाक विलेन के घर का टूर और दिखाते हैं आपको बी टाउन के सीरियल किसर की लग्जरी हाउस का इनसाइड नजारा। इमरान के आशियाने की इस वर्चुअल टूर की शुरुआत करते हैं उनकी बिल्डिंग के आउटसाइड व्यू से। इमरान हाशमी का घर मुंबई के बांद्रा के पाली हिल इलाके में मुंबई के पॉश इलाके में मौजूद उनकी बिल्डिंग का नाम रेशमा है। इस 10 मंजिला सफेद इमारत में 16 करोड़ की कीमत वाला इमरान का घर इसके 7वें फ्लोर पर मौजूद है। इमरान ने भी अपने घर को एकदम रॉयल इंटीरियर से सजाया है, जिसकी झलक आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये तस्वीर है इमरान के घर के लिविंग विद डाइनिंग एरिया की, जहां एक वुडन डाइनिंग टेबल मौजूद है। डाइनिंग टेबल के साथ रखी चेयर भी शाही डिजाइन वाली है, साथ ही उसके पीछे बेहद ही एंटीक सोफे रखे हुए हैं। उनके घर की दीवारों को कलर पेस्टल रखा गया है, जो इसे एलिगेंट लुक देता है। आखिर इमरान के घर की खूबसूरती बालकनी से बाहर का शानदार नजारा जो देखने को मिलता है। यहाँ उन्होंने इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं, साथ ही इमरान ने अपने बेटे के लिए यहाँ चेस का गेम भी रखा हुआ है। तो बालकनी की थीम ऑफ व्हाइट रखी गई है। क्लासी आर्ट पीस के साथ इमरान ने यहाँ की दीवार को सजाया हुआ है। उनका घर मिनिमलिस्टिक स्टाइल का है, जिसे इमरान हाशमी और उनकी पत्नी परवीन ने डिजाइन किया है। कपल ने घर के इंटीरियर के लिए व्हाइट, बेज और ब्राउन कलर जैसे हल्के रंगों का चयन किया है, जिससे उनका ये घर आधुनिक होने के साथ साथ उत्तम दर्जे का भी दिखता है। घर में लकड़ी का फर्नीचर इसे पुरानी दुनिया के आकर्षण का टच देता है। इमरान के मुंबई वाले घर में एक बड़ी लाइब्रेरी भी है। अपने घर का एक कोना भी एक्टर को काफी पसंद है। ब्राउन वुडन खिड़की और व्हाइट वॉल के इस कॉर्नर में इमरान अक्सर अपने फोटोशूट कराते रहते हैं। इमरान ने अपने घर में लाइब्रेरी भी बनाई हुई है। वुडन ओपन अलमीरा के पीछे ही उन्होंने अपनी पसंदीदा किताबों को जगह दी है, जिन्हें वो अक्सर अपने फ्री टाइम में पढ़ती हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अपने सपनों के घर के हर कोने में इमरान हाशमी ने परिवार और अपनी खास यादें संजोई हुई हैं। वहीं इस बिल्डिंग में उनके घर के साथ उन्हें पार्किंग के स्लॉट भी मिले हैं, जहां वो अपनी लग्जरी गाड़ियों को पार्क करते हैं। इमरान के पास देश भर में भी कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। मुंबई के अलावा गोवा में भी उनका एक बंगला है, जहां वो अक्सर हॉलीडे मनाने जाती है। जहां इमरान अपनी फिल्मों के लिए 5 से 6 करोड़ की फीस लेते हैं, तो 2 से 3 करोड़ रुपए वो ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए चार्ज करते हैं। इमरान की टोटल नेटवर्थ की बात करें तो ये करीबन $15 मिलियन यानी कि 120 करोड़ रुपए है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।